नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस योग पर आधारित सत्र योग शक्ति में। मैं हूं तन्वी खुराना और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम यहां आते हैं, उपस्थित होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। योग की क्रियाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं एक विषय से जुड़ी हुई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है योग फॉर स्नोरिंग प्रॉब्लम। स्नोरिंग, जिसे हम खर्राटे भी कहते हैं और बहुत आम है, जब हम सोते हैं तो खर्राटे निकलते हैं, पर जब हम सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे जो खर्राटे हैं वो किसी और को तकलीफ दे रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनकी नींद ख़राब कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम में से कोई भी स्नोर करता है तो उसकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है और क्या क्या योग की क्रियाएं हैं जो मदद कर सकती हैं ताकि ये जो दिक्कत है ये ना हो, इसलिए आज का ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 8800044059। आप इस वक्त हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर भी, जो कि है NCERT Official। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप हमें ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा mdniy@yahoo.co.in। बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया जा रहा है CIET NCERT के माध्यम से और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का पूरा श्रेय जाता है आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को। आइए, आपका परिचय हम करवाना चाहेंगे हमारी आज की एक्सपर्ट योग इंस्ट्रक्टर से। हमारे साथ है मिस हरप्रीत कौर सोढ़ी। स्वागत है मैम आपका। मैम है योग इंस्ट्रक्टर केंद्रीय विद्यालय संगठन से और हमारे साथ मौजूद है हमारे डेमोंस्ट्रेटर भी, जो हमें हर एक योग की क्रिया करके दिखाएंगे, समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। स्वागत है मिस्टर अंकुश का। अंकुश BSc स्टूडेंट है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से और आज का ये जो कार्यक्रम है स्नोरिंग प्रॉब्लम का, हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि स्नोरिंग की जो दिक्कत है, स्नोरिंग होता क्या है और स्नोरिंग की दिक्कत कैसे होती है, कब स्टार्ट होती है? और मैम, क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि क्या हर उम्र में स्नोरिंग का प्रॉब्लम होती है? बच्चे भी सोते हैं और एक 50 साल का व्यक्ति भी सोता है, पर ये जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है शुरू कहाँ से होती है? जी, सुप्रभात सभी को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसा कि मैम ने पूछा कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती क्या है एग्जैक्टली। स्नोरिंग, जब हम सोते हैं तो उस दौरान हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि जो नेसल, यानी कि हमारा जो नॉस्ट्रिल वाला पार्ट है, नेसल कंजेशन हो जाता है, जिस वजह से हमारे रेस्पिरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आती है और एक साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो खर्राटे के नाम से भी जानते हैं। तो ये जिस टाइम हम सो रहे होते हैं, सोने के दौरान हमें प्रॉब्लम होती है, तो जिस व्यक्ति को हो रहा होता है उसको नहीं पता होता, क्योंकि वो एक साउंड स्लीप में है। बट जैसा कि मैम ने बताया, डेफिनेटली आपके पास में जो भी सो रहा है, आपका जो भी पार्टनर है, उसको दिक्कत हो सकती है। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, कभी समटाइम्स क्या होता है कि जो स्नोरिंग की साउंड है कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा लाउड होती है, तो लाउड होने की सिचुएशन में आपके पास वाला व्यक्ति सो नहीं पाता और नेक्स्ट डे उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट करती हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत रेस्टलेस फील करता है। तो आपकी वजह से दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप योग अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी स्नोरिंग प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम जिस व्यक्ति को हो रहा है उसकी बात करें, तो स्टार्टिंग फेज में आपको नहीं पता चलता, लेकिन आगे चल करके आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इशू है, तो आगे चलकर आपको हार्ट रिलेटेड इशू भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको साइनस की प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम सिम्टम्स, जैसा कि मैंने बताया, एक तरह की आवाज़ बहुत लाउड या फिर स्लो या मीडियम आवाज़ क्रिएट होती है स्लीपिंग के टाइम पर। अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि इसके मेन कारण क्या होते हैं,
तो आजकल बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि ये सिर्फ एक एज, यानी कि जब हमारी एज हो जाती थी ओल्ड एज ग्रुप में हमें स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, बट अभी आज हम देखें तो बच्चे भी स्नोर कर रहे होते हैं, उनको भी खर्राटे की प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है। तो उसका मेनली कारण यही है कि आपका लाइफस्टाइल जो है अनहेल्दी है, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें मेन इसका कारण तो अल्कोहल एडिक्टेड या फिर स्मोकिंग की अभी एक कारण देखा गया है। तो अगर आपको ज़्यादा आप अल्कोहल इनटेक लेते हैं तो उससे भी आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि आप अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें, साथ ही साथ हेल्दी ईटिंग पैटर्न जो है वो अडेप्ट करें, तो इन सभी माध्यम से आप जो है अपने स्नोरिंग प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि योग की कुछ क्रियाएं भी की जा सकती हैं और स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल की जा सकती है, तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, क्या आज का प्रोटोकॉल आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी? जी, तो हम आज के प्रोटोकॉल के लिए हम आशा कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, स्नोरिंग की प्रॉब्लम वेट गेन की वजह से यानी कि ओबेसिटी, अगर आपको मोटापा है तो उस वजह से भी हो सकती है। तो जो हमारा आज का प्रोटोकॉल है उसमें हम ध्यान में रखते हुए कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें दिक्कत ना हो, उसकी जो फंक्शनिंग है वो और अच्छी हो जाए ताकि आपको स्नोरिंग प्रॉब्लम ना हो, आपका वेट मैनेज रहे, तो इन्हीं फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए हमारा आज का प्रोटोकॉल बेस्ड रहेगा। तो हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रार्थना के लिए आप अपने स्थान पर मैट पर किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आप सहज हों। कमर गर्दन सीधी रखते हुए हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करेंगे और हथेली का पिछला भाग अपने घुटनों पर रखेंगे, कुछ इस तरह जैसे डेमोंस्ट्रेटर आपको दर्शा रहे हैं। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु समान पर रखते हुए अपनी आंखों को स्थिर करें, कुछ देर देखते रहें, और जब मन हो कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। बंद आंखों से पूरा ध्यान शरीर की तरफ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए शरीर की स्थिति बिल्कुल सहज हो, आरामदायक हो, कहीं कोई तनाव या जकड़न नहीं हो। पूरा ध्यान अपने श्वासों के प्रति ले जाते हुए श्वास प्रश्वास को देख जाएं, बिना किसी बदलाव के पूरी एकाग्रता अपने चित्त को अपनी श्वासों की तरफ ले जाएं। अब गहरा श्वास भरते हुए गहरा श्वास खाली करेंगे, एक बार और गहरा श्वास भरते हुए गहरा श्वास खाली कर जाएं। प्रार्थना के लिए अपने हाथों की नमस्कार मुद्रा धारण करते हुए एक बार फिर से गहरा श्वास भरेंगे, तीन बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना। संग छत्वं संबतत्वं संभो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को महसूस करें, चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखते हुए संकल्प ले आज अपने होने वाले योग सत्र के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, अपनी श्वासों के साथ आप अपने आप को जोड़ेंगे। हाथों में तेज घर्षण करते हुए हथेलियों की कप शेप बनाते हुए धीरे से आंखों पर रखें,
गर्माहट महसूस करते हुए धीरे धीरे पलके झपकाएं और वापस आ जाएं, हाथों को वापस ले आएं। जी, तो हम प्रार्थना के साथ ही सत्र को शुरू करेंगे ताकि आप अपने अभ्यास के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है आप प्राप्त कर सकें। तो सर्वप्रथम हम क्रियाएं में करने जा रहे हैं षट क्रिया जिसको हम कहते हैं क्लिंजिंग टेक्निक्स। और जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो नेसल पैसेज होता है वहाँ पर कंजेशन हो जाता है, जिस वजह से हमें स्नोरिंग की प्रॉब्लम मेनली होती है। तो नेसल पैसेज को क्लीन करने के लिए षट क्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें जल नीति क्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं कि जल नीति क्रिया बहुत ही लाभदायक क्रिया होती है। तो यहाँ पर हम आपको दर्शाने वाले हैं कि किस तरह से आप जलनीति क्रिया कर सकते हैं। जलनीति क्रिया पहले, सबसे पहले मैं आपको सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें, ताकि आपको कोई जितने भी हैं बेनिफिट्स मिले, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जलनीति क्रिया की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जलनीति पॉट को पहले लेते हुए अपने काकासन की स्थिति में आ जाएंगे। तो जलनीति क्रिया, जिससे हम अपनी एक नॉस्ट्रिल से पानी, जो हमारा पॉट है उसकी टूटी से हम पानी डालते हैं, एक नॉस्ट्रिल से डालते हुए दूसरी नॉस्ट्रिल से निकालते हैं, ये जलनीति क्रिया होती है। इस तरह से हम पॉट को पकड़ते हैं, जिस तरह से आपको डेमोन्स्ट्रेटर दर्शा रहे हैं, पूरी हथेली में इस तरह से नीचे की तरफ, और अपने दोनों पैरों में इस तरह से आप अंतर रख सकते हैं और दूसरे हाथ को आप अपने घुटने पर रख लेंगे। तो अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ेंगे और सबसे पहले कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए राइट नॉस्ट्रिल से हम जो पॉट में पानी है उसकी टूटी को अपने राइट नॉस्ट्रिल के पास लेकर जाएंगे। गर्दन हल्की सी टिल्ट करेंगे, आंखें खुली रखेंगे, मुंह को खुला रखेंगे हल्का सा, ताकि पानी आपके अंदर स्कल में ना जाए। अब यहीं से हल्का सा, जिस तरह से आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटर ने फेस टिल्टेड रखा हुआ है, इस तरह से आप पानी को बाहर निकालेंगे राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ। और जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पानी निकल जाए, उसके बाद आप अपने हाथों की पोजीशन चेंज करते हुए पॉट को लेफ्ट हाथ में ले लेंगे और इस तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर पॉट की टूटी को लगाते हुए अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पानी इनटेक अंदर की तरफ ले जाते हुए राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे और फिर पॉट को धीरे से पानी खत्म हो जाने पर वापस रख देंगे। अब जो पानी अंदर गया है वो बाहर निकल चुका है, लेकिन पूरी तरह से पानी जो है बाहर निकल जाए उसके लिए हम यहाँ पर कुछ क्रिया करने वाले हैं, जिसमें आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए कमर पर पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लेंगे, आगे की तरफ झुक जाएं कमर को झुकाते हुए। अब गर्दन सीधी रखेंगे, जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेटर आपको दर्शा रहे हैं। अब यहीं से एक्सेल करेंगे ताकि आपका जो भी पानी है नॉस्ट्रिल में बचा हुआ वो बाहर निकल जाए। कुछ इस तरह से। और इसके बाद, क्योंकि पानी हमारे स्कल में, हमारे फोरहेड और कानों की तरफ भी जा सकता है, तो हम राइट साइड गर्दन को घुमाते हुए अपनी गर्दन को 90 डिग्री पर कर लेंगे इस तरह से, और राइट साइड से भी पानी निकालेंगे, लेफ्ट साइड से भी इसको दोहरा जाए, अपनी गर्दन पूरी 90 डिग्री पर करते हुए धीरे से वापस आ जाए और अपने स्थान पर बैठ जाए। तो ये जलनीति क्रिया का अभ्यास है, ये षट क्रिया है। इसमें मैं बताना चाहूँगी, जो पानी है, पानी भी आपको ल्यूक वॉर्म यानी कि गुनगुना पानी लेना होता है और हल्का सा उसमें आप नमक को भी डालना होता है, ताकि आपकी जो पानी अंदर जा रहा है नॉस्ट्रिल के अंदर उससे कोई दिक्कत ना हो आपको। शुरुआत में हो सकता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, छींकें आ सकती है, या फिर आपको लग सकता है कि हेडेक हो रहा है, या फिर बहुत भारी भारी सा फील होने लगता है। तो इसके लिए, जैसा कि मैंने बताया, पानी जलनीति क्रिया के अभ्यास के बाद पानी को पूरी तरीके से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप सर्वप्रथम अभ्यास जो कर रहे हैं, एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही कोशिश करें कि आप इसका अभ्यास करें। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, अगली क्रिया हम कपालभाति का अभ्यास करने वाले हैं। तो जलनीति क्रिया के बाद कपालभाति का अभ्यास आप जैसे ही करते हैं, जो बचा हुआ पानी है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। प्लस ये स्नोरिंग प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपका, जैसा कि मैंने बताया, नेसल पैसेज में जो भी कंजेशन हो रखा है उसको ये क्लीन करता है, और साइनसिस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होती है, जिससे मेनली हमें स्नोरिंग प्रॉब्लम होती है।
तो कपालभाति के लिए कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें और श्वास भरते हुए पेट को बाहर की तरफ ले आए, श्वास खाली करते हुए छक छक की भांति आवाज निकालें और अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर बाहर, सिर्फ आपका लोअर एब्डोमेन का मूवमेंट इसमें रहेगा। इस तरह से आपकी जो नॉस्ट्रिल है उससे आवाज आएगी एक्सहेलेशन की। एक्टिव एक्सहेलेशन आपको इसमें करना होता है, पैसिव इन्हेलेशन, इन्हेलेशन खुद ब खुद हो जाता है तो आपको इन्हेल नहीं करना है। ध्यान देना है हम यहाँ पर 30 स्ट्रोक का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत में 15 या फिर 20 स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेसिटी, जितना आपका शरीर आपको अनुमति दे उतने स्ट्रोक आप कर सकते हैं। अब अगर आप 10 कर रहे हैं या 15 कर रहे हैं, लेकिन इसके ध्यान देना है आपको कम से कम 3 राउंड ज़रूर करने हैं। तो ये एक राउंड था, ऐसे ही आपको 2 राउंड और दोहराने हैं कपालभाति के। तो ये षटक्रियाएँ थी, षटक्रिया जिससे जैसा कि मैंने बताया जो भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, क्लिंजिंग हो जाती है हमारी बॉडी की एक तरीके से। आगे की ओर बढ़ेंगे षटक्रिया के बाद, अब हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम जिसमें सबसे पहले हम उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि की क्रिया करने वाले हैं। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर रख लेंगे 2 से 4 उंगली का, हाथों को अपनी जगहों के साइड में सटा कर रखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दृष्टि सामने और पैरों में थोड़ा कम अंतर करें, सामने ही देखते हुए श्वास भरेंगे और श्वास खाली करेंगे। तो इससे आपकी लंग्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, रेस्पिरेशन आपका जो है वो और अच्छा होगा, जिस वजह से स्नोरिंग प्रॉब्लम की आपको जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी और वो काफ़ी हद तक आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके लिए संभव है तो इसमें रैपिड इन्हेलेशन एक्सहेलेशन का अभ्यास आपको करना है, नहीं है तो आप इस तरह से धीरे धीरे भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको जल्दी जल्दी सांस लेना है और छोड़ना है, तो रैपिड इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, इससे आपका जैसा कि नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि, तो आपका जो उच्चारण स्थल यानी कि जो नेक वाला रीजन है, जो नेसल पैसेज है, वो पूरा अच्छी तरह से क्लेंस होता है। धीरे से विराम लगाते हुए पैरों में अंतर करें, आंखें बंद करें और प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस कर जाएं, अपनी सांसों पर महसूस कर जाएं। गहरा सांस भरते हुए गहरा सांस खाली करेंगे, अपने आप को अगले अभ्यास के लिए पुनः ऊर्जावान कर जाएं। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का। तो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के लिए मैं डेमोन्स्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करूंगी कि साइड व्यू दें, पैरों में 2 से 4 उंगलियों का अंतर रखते हुए अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएं और हाथ को बिल्कुल सीधे रखें, कोहनियां सीधी रहें। अब यहीं से श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, आंखें खुली रखेंगे इस दौरान, श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे, श्वास भरें गर्दन पीछे, श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे, एक बार और दोहरा जाए, श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे। अब ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का हम दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अपनी गर्दन को जो है गोल आकृति में घुमाना है। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपको घुमाना है, हम 3 राउंड यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो अपनी गर्दन को आगे की तरफ चिन लॉक कर लें, श्वास भरते हुए अपने गर्दन को अपने कान को सीधे कंधे पर ले जाएं और घुमाते हुए गर्दन पीछे की तरफ, अपने कान को लेफ्ट कंधे से टच करते हुए आगे की तरफ और यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 2 चक्र और कर जाएं। ऐसे ध्यान देंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, क्योंकि ये हम अपने गर्दन के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पूरा शरीर जो है वो स्थिर रहे, सिर्फ गर्दन का ही आपको मूवमेंट करना है, यानी कि आपको गर्दन को ही घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप जब गर्दन को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जो भी कंजेशन है नेक रीजन में या फिर नेक के आसपास वो जो है रिलीज हो रहा है। धीरे से वापस आते हुए आंखें बंद,
पैरों में अंतर, प्रभाव को शरीर पर महसूस कर जाएं। अब एक बार फिर से श्वास प्रश्वास करते हुए अपने आप को फिर से ऊर्जावान कर जाएं। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं स्कंद चक्र क्रिया। स्कंद चक्र क्रिया के लिए पैरों को मिला लें, दो से चार उंगलियों का अंतर रखते हुए, या फिर आप अपने हाथों को साइड से उठाएंगे कंधों जितनी ऊंचाई पर, साइड से हाथों को ले जाएं और यहीं से उंगलियां हाथ पलटते हुए उंगलियां अपने कंधे पर ले जाएं। कोहनियों को सामने की तरफ अपने वक्षस्थल के पास ले, आप यहीं से श्वास भरते हुए कोहनियां पहले सर के ऊपर, फिर पीछे, पीछे से नीचे और आगे की तरफ, इस तरह से पूरा चक्र बनाएंगे। तीन बार क्लॉकवाइज कर जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शोल्डर जॉइंट मूवमेंट करेंगे आप, अपने कंधों को जो है ज्यादा से ज्यादा घुमाना है, तो इससे भी आपके रेस्पिरेशन में बहुत लाभ मिलता है। अब तीन बार विपरीत दिशा, यानी कि नीचे से अपनी कोहनियों को घुमाते हुए पीछे ले जाएं, पीछे से सर के ऊपर और आगे की ओर। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि डेमोंस्ट्रेटर कर रहे हैं, इस तरह से आपको अपने हाथों और कंधों की मदद से ज़्यादा अपने हाथों को घुमाने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी जितनी भी मसल्स हैं अपर चेस्ट और शोल्डर बैक, वो सारी रिलीज हो जाए, कोई किसी तरह का तनाव स्ट्रेस ना रहे। धीरे से हाथों को वापस ले आते हुए वापस आ जाए, विश्राम करें पैरों में अंतर करते हुए। एक बार फिर से श्वास प्रश्वास कर जाएं, आंखें बंद करके गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास खाली करें। अगला सूक्ष्म व्यायाम हम अभ्यास करने जा रहे हैं वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया के लिए अपने, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि डेमोंस्ट्रेटर साइड व्यू एंगल देते हुए दर्शाएं। पैरों में दो से चार उंगलियों का अंतर रखेंगे, हाथों को सामने की तरफ वक्षस्थल के सामने ले जाएं। अब यहीं से श्वास भरें और अपने हाथों को जो है फैलाते हुए पीछे की ओर ले आएं। कोहनियां सीधी रखेंगे, हथेली करो किस तरह से एक दूसरे की तरफ और कोहनियां बिल्कुल सीधी, और गर्दन पीछे ले जाते हुए वक्षस्थल वाले, यानी कि अपने चेस्ट रीजन में एक अच्छा एक्सपेंशन करेंगे, अच्छा खिंचाव महसूस करें। धीरे से वापस आएं, दो बार और दोहरा जाएं, श्वास भरते हुए हाथों को फिर से पीछे लेकर जाएं। जिस तरह से हम स्विमिंग करते हैं, कुछ इस तरह से हाथों को फैलाते हुए पीछे लेकर जाना है। धीरे से वापस, एक बार और दोहरा जाएं, हाथ पीछे, गर्दन पीछे और चेस्ट रीजन में एक एक्सपेंशन देते हुए धीरे से वापस। तो ये भी हमारी लंग्स कैपेसिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है, फंक्शनिंग अच्छा करता है वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया। तो बहुत ही लाभदायक क्रिया है ये भी। तो ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए आसनों की ओर अभ्यास देखेंगे। तो एक बार फिर से अपने आप को आगे के अभ्यास के लिए तैयार कर जाएं। श्वास भरते हुए गहरा श्वास खाली करेंगे। तो सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं आसनों में खड़े होने वाले आसनों की श्रेणी में अभ्यास। तो खड़े होने वाले आसन में ताड़ासन का अभ्यास हम सर्वप्रथम करेंगे। ताड़ासन के लिए पुनः एड़ी पंजे में ला लें, या फिर संभवतः दो से चार उंगलियों का अंतर आप अपने पैरों में रख सकते हैं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए वक्षस्थल के सामने अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और यहीं से हथेली पलटते हुए सर के ऊपर ले जाएं। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन सीधी। यहीं से अब जब पूरा शरीर स्थिर हो जाए, हाथ की उंगलियां आपस में मिली रहेंगी, अंगूठे भी साथ में सटा कर रखें, और जब आपके लिए संभव हो धीरे धीरे किसी एक बिंदु या वस्तु समान पे दृष्टि रखते हुए पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेशन सामने की तरफ रखें और एड़ियों को धीरे से ऊपर उठा दें कुछ इस तरह से, और पूरा शरीर एक सीधाई में ऊपर की तरफ तान दें। बिल्कुल सीधा रहे, हाथ आपके कान से लगे रहेंगे बिल्कुल सीधे। कुछ देर आसन में बने रहेंगे, धीरे से एड़ियां वापस, हाथों को वापस ले आए, पैरों में अंतर करते हुए आंखें बंद कर लें और जो अभ्यास आपने किया है उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है बंद आंखों से महसूस कर जाएं।
ताड़ासन के बाद आगे की ओर बढ़ते हुए अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं परिवृत्त त्रिकोण आसन। परिवृत्त त्रिकोण आसन के लिए अपने मैट के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। अब यहीं से अपने राइट पैर को बाहर की तरफ ले जाते हुए पैरों में अंतर करेंगे। तो ये अपने शरीर के अनुसार करना है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 फीट का अंतर आप कर सकते हैं पैरों में। अब यहीं से अपने राइट पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुमाते हुए ले जाएं। हाथों को साइड से उठाएंगे कंधों की ऊंचाई पर, हथेलियों का रुख इस तरह से सामने रखते हुए श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए अपनी कमर को घुमाएंगे, ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट हाथ की हथेली को राइट पैर के पंजे के बाहर रख जाएंगे कुछ इस तरह से, और दूसरे हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। गर्दन को घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करेंगे। परिवृत्त त्रिकोणासन, त्रिकोणासन आपको ट्विस्ट करना है, तो इस तरह से अभ्यास करेंगे। इसको दूसरी तरफ से भी दोहरा जाएंगे, धीरे से वापस आए, सीधे पैर के पंजे को अंदर लाते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को बाहर घुमाएं और अभ्यास दोहरा जाए। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं आपके लंग्स के लिए भी, प्लस जैसा कि मैंने कहा ओबेसिटी भी एक कारण है, तो इस आसन से आपका जो ओबेसिटी है, मोटापा, वो भी मैनेज होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है सबके शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, तो अपने शरीर को सुनते हुए ही अभ्यास करना है जितना भी आप कर पाए, जहाँ तक भी आप पहुँच पाए। अगर आपका हाथ नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो आप अपने हाथ को थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। मैं डेमोंस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा ऊपर करें हाथ अपना घुटने की तरफ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाए, पैर हाथ वापस ले आए अपने और पैरों में अंतर बनाए रखते हुए विश्राम कर जाए। श्वास भरते हुए श्वास खाली करें, अगले अभ्यास के लिए पुनः अपने आप को ऊर्जावान कर जाए। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन के लिए पैरों में कंधों जितना अंतर रखेंगे और अपने हाथों को श्वास भरते हुए कंधों जितनी ऊंचाई पर सामने की तरफ उठाएं, हथेलियों का रुख आमने सामने, श्वास खाली करते हुए अपने राइट साइड ट्विस्ट कर जाएंगे, अपनी कमर को घुमाएं पीछे की तरफ इस तरह से, और फाइनल पोस्चर में गर्दन भी पीछे लेकर जानी है और पीछे वाले हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करना है। श्वास भरते हुए पुनः बीच में आ जाए, श्वास खाली करते हुए अपने लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर समय कम होने के कारण हम कम देर तक आसन में होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आप हर आसन में कम से कम 15 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी आप सहजता से कर पाए उतनी देर हर आसन में ज़रूर रुकें, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धीरे से बीच में वापस आते हुए हाथों को वापस ले आए और विश्राम करें, शरीर पर आए प्रभावों को महसूस कर जाएं। गहरा श्वास भरते हुए गहरा श्वास खाली करें। तो ये कुछ आसन थे खड़े होने वाली श्रेणी में। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में हम अभ्यास देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन का अभ्यास देखेंगे। वज्रासन के लिए अपने पैरों को मोड़ते हुए घुटनों से धीरे से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से पैर के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे और जो पैर की एड़ियां हैं वो नितंब के साइड में बाहर की तरफ निकलेंगी। पैर के घुटने मिले रहेंगे, हाथ इस तरह से आप अपनी थाइस पर रख सकते हैं या घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद करेंगे। तो ये भी आपके मोटापे के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। आप एकमात्र आसन है खाने के बाद जिसका अभ्यास कर सकते हैं, तो आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद ज़रूर इसका अभ्यास करें। इससे भी आपकी पाचन शक्ति जो है वो इम्प्रूव होती है। वज्रासन के बाद अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं सिंह आसन का। तो सिंह आसन के लिए अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर करेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए ही हाथों को अपने पैरों के बीच में रख लेंगे, हथेली का रुख जो है कुछ इस तरह से ज़मीन की तरफ करते हुए हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ, पैल्विक रीजन की तरफ। अब यहीं से अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए जीभ बाहर निकालेंगे और एक आवाज़ आपके गले से आए जिस तरह से सिंह गरजता है।
कुछ इस तरह से आप सिंहासन का अभ्यास करेंगे और एक साउंड आपके गले से जैसे कोई रगड़ने की आवाज़ आती है आपको निकालनी है। धीरे से वापस आ जाएं, पैरों को वापस बंद करें। तो ये सिंहासन का अभ्यास था। इस तरह से आप सिंहासन का अभ्यास भी कम से कम 5 से 6 बार कर सकते हैं। बट ध्यान देना है इसमें जो आप ये रोर यानी कि गरजने की आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड भी ना हो, सो दैट आपको जो है गले में कोई दिक्कत ना हो, तो इसको आपको मेंटेन करना है। आगे की ओर बढ़ते हुए अगला आसन हम करने जा रहे हैं अर्धोष्ट्रासन का। तो अर्धोष्ट्रासन के लिए अपनी स्थिति में बने रहें। वज्रासन की डेमोन्स्ट्रेटर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि साइड व्यू दें। अर्धोष्ट्रासन यानी कि जिसको हम हाफ कैमल पोज भी कहते हैं, पैरों में इस तरह से कंधों जितना अंतर बना लेंगे, हाथ की हथेलियों को अपने नितंब और कमर के निचले भाग पर रखेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से कोहनियों को एक दूसरे के पास लाते हुए सांस भरें और पीछे की तरफ बैक बेंड कर जाएंगे, गर्दन पीछे, कंधे पीछे और कमर से पीछे की ओर झुक जाएं और कुछ देर आसन में बने रहेंगे। तो जितना आपका शरीर अनुमति दे संभवतः उतना ही आप बैकबेंड करेंगे, इससे ज़्यादा या इससे कम जितना आप कर पाएँ, आंखें खुली रखेंगे और आसन में मेंटेन करें। धीरे से वापस आ जाएं और पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अगला आसन हम शशंक आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो यहीं से पैरों में अंतर करते हुए हाथों को पैरों के बीच में रखेंगे, हथेली को सांस भरें, सांस खाली करते हुए शरीर को आगे की तरफ खिसकाएंगे, हाथों की मदद से आगे स्लाइड करते हुए पेट को अपने वक्षस्थल वाले भाग को जमीन से लगाते हुए माथे को इस तरह से जमीन से लगा दें और कुछ तेज सांस पर सांस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन में बने रहें। ध्यान देंगे आपके नितंब यानी कि बटेक्स जो है एडियो से लगे रहें, आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहे, नहीं संभव है तो आप हल्का सा कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों को पैर के पास भी ला सकते हैं। कोहनियाँ अपने घुटनों के पास ले आएं, हाथों को मोड़ते हुए और इस तरह से आसन में बने रहे, रिलैक्स करें। तो ये आसन है जिससे आपका मन शांत होता है, शरीर भी तनाव मुक्त होता है, तो स्ट्रेस के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है शशंकासन। तो अगर तनाव होता है उस वजह से भी आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिस वजह से ओबेसिटी भी होता है एक कारण है, तो ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास आपके स्नोरिंग मैनेजमेंट के लिए। धीरे से वापस आ जाएं, पैरों को वापस बंद करते हुए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अगले आसन के लिए वक्रासन। वक्रासन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को, सीधे पैर के पंजे को इस तरह से घुटने के पास रखेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं बिल्कुल सीधा और कमर को पूरी तरह से ऊपर खींचे और पहाड़ की तरफ निकालते हुए अपने राइट पैर को इस तरह से बाहर से लपेटें और हाथ की मदद से आप अपने राइट पैर के अंगूठे को पकड़ें या फिर पैर की पिंडली को, जो भी आपके लिए संभव है, पकड़ते हुए अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएं, कमर के बीचों बीच रखेंगे और फाइनल पोस्चर में आते हुए गर्दन को भी पीछे की ओर घुमाएंगे। गर्दन को पूरी तरह पीछे की तरफ ले जाएं और मैक्सिमम ट्विस्टिंग आप अपनी कमर से करने का अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस आ जाएं। दूसरी तरफ से भी दोहरा जाएंगे, अपने लेफ्ट पैर की घुटने से मोड़ते हुए पैर को इस तरह से। अब यहाँ पर हम सरल अभ्यास दिखाना चाहेंगे। अगर आप पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ पाए तो इस तरह से आप अपने हाथ की मदद से पैर को पकड़ लें और कमर को पूरी तरफ बाहर निकालते हुए घुमाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और इस तरह से आसन में कुछ देर बने रहें। तो वक्रासन आपके ओबेसिटी के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत लाभकारी है। आपके डाइजेशन पाचन को बढ़ाता है और साथ ही साथ रेस्पिरेशन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस आ जाएं। और आगे की ओर बढ़ते हुए ये कुछ बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अभ्यास थे। अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में कुछ आसन करने जा रहे हैं। तो धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे
अब यहीं से पैर बिल्कुल सीधे रखें, हाथ सर के ऊपर ले जाएं, पूरी तरह से शरीर को सीधा कर ले। सबसे पहले हम भुजंग आसन का अभ्यास करने वाले हैं, तो अपने हाथों की मदद से वक्षस्थल के पास लेकर आएं अपने हाथों को। अब यहीं से सांस भरते हुए धीरे से गर्दन पीछे, कंधे पीछे, भुजंग आसन, कुछ देर आसन में बने रहे, धीरे से वापस आ जाएं। अगला आसन यहीं से करने जा रहे हैं हम, धनुरासन का अभ्यास। तो धनुरासन के लिए पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और यहीं से पैर के टखनों को पकड़ते हुए अपनी एंकल जॉइंट को धीरे धीरे गर्दन पीछे, पैर ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन, शरीर का ऊपरी भाग, अगला और पिछला दोनों भाग ऊपर की तरफ उठा दें और इस तरह से बैलेंस करेंगे जिस तरह से बो होता है, धनुरासन की तरह अपने शरीर की आकृति बनाएंगे। धीरे से वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करेंगे। हाथ की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए गाल के पिछले भाग को हथेली के पिछले भाग पर रखें, पैरों में अंतर करेंगे, एड़ियों का रुख अंदर की तरफ, श्वास प्रश्वास कर जाएं, गहरा श्वास भरते हुए गहरा श्वास खाली करें। अब आगे की ओर बढ़ते हुए कुछ आसन पीठ के बल किए जाने वाले, तो पीठ के बल धीरे से वापस आ जाएं और पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में हम करने वाले हैं पहला आसन सरल मत्स्य आसन का अभ्यास। तो सरल मत्स्य आसन के लिए अपने हाथ की हथेली को कंधे के नीचे रखें, यहीं से हाथ की मदद से अपनी गर्दन को अंदर की तरफ घुमाते हुए माथे वाले भाग को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे और हाथ की हथेली को पैर यानी कि जंघा के पास ले आए, इनर थाई के पास रखेंगे, कोहनियों को जमीन से सटा कर रखेंगे। सरल मत्स्य आसन, तो इस तरह से चेस्ट में एक अच्छा एक्सपेंशन होता है जो कि आपके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत लाभकारी होता है और अल्टीमेटली आपके रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करता है। धीरे से वापस आ जाएं, हाथों की मदद से जैसे गए थे वैसे ही गर्दन को धीरे से वापस ले आए। ध्यान देंगे इसमें किसी तरह का कोई जर्क, कोई झटका नहीं देना है, बहुत सहजता और सरलता के साथ आसन में जाना और सहजता के साथ ही वापस आना है। अब शवासन में विश्राम कर जाएं, पैरों में अंतर करेंगे, हाथ की हथेलियां पूरी तरह से ढीली छोड़ते हुए, हथेलियों का रुख छत की तरफ, आंखें बंद, पूरे शरीर को रिलैक्स कर जाए, आसनों के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस कर जाए। अब धीरे से करवट लेते हुए साइड टर्न लेकर धीरे से उठकर बैठ जाए। और ये कुछ आसनों का अभ्यास था। अंतिम अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हुए प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठते हुए अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए, जिसमें अपने राइट हैंड की पहली दोंगलियों को अंगूठे के मूल भाग यानी कि थंब रूट के पास रखेंगे, लास्ट की दोंगलियाँ इस तरह से खुली रहेंगी, ये आपकी प्राणायाम मुद्रा। अब अपने अंगूठे को अपनी राइट नॉस्ट्रिल के पास लेकर जाएं, आंखें बंद रखेंगे इस दौरान, कमर गर्दन सीधी हो, ध्यान रहे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास खाली कर जाएंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास खाली कर जाएं। तो ये एक चक्र हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम का। आप ऐसे कम से कम 10 से 15 चक्र कर सकते हैं और सोने के दौरान करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिलेगा। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें ध्यान देंगे आपकी श्वास प्रश्वास बहुत धीमी हो, सहज हो और रेशियो इनहेलेशन एक्सेलेशन का मेंटेन करना है, जितना इनहेल कर रहे हैं उतना ही एक्सेल करेंगे। धीरे से वापस आते हुए चक्र पूरा करते हुए वापस आ जाए और प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम जो कि आपके रेस्पिरेशन के लिए भी प्लस आपके थ्रोट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है।
तो आंखें बंद रखें, इस दौरान अपने थ्रोट रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इनहेल करेंगे। कुछ इस तरह से अपनी नेक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे और एक्सहेल अपनी नॉस्ट्रिल से करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। तो इसके भी आप कम से कम 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। तो ये अभ्यास था आज के प्रोटोकॉल का। इसके साथ ही साथ आप ओम ध्यान भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ओम का उच्चारण करना होता है। अब हम यहाँ पर सत्र को संपन्न करते हुए शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। हाथों की प्राणायाम बनाते हुए आँखें कोमलता से बंद ही रखें। नमस्कार मुद्रा में श्वास भरें, श्वास खाली करें। शांति शांति शांति। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। जी, तो ये प्रोटोकॉल था। इसका आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम जो है उससे आप निजात पा सकेंगे। जी मैम, बेहद धन्यवाद आज ये प्रोटोकॉल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस इन योग की क्रियाओं से बेहद फ़ायदा होगा और जो स्नोरिंग की दिक्कत है वो भी सही हो जाएगी। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमने पहले भी बात की, जो साउंड स्लीप में होते हैं वो स्नोर करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि कितना तेज आवाज़ आ रही है या कितनी नहीं आ रही, और साथ वाला जो होता है व्यक्ति उसे कुछ परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है, तो क्या कुछ ऐसा टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे थोड़ा इंस्टेंट रिलीफ उन्हें मिल सके और वो जो आवाज़ है स्नोरिंग की वो थोड़ी सी कम हो सके? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि योग अभ्यास का अगर आप अभ्यास करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ क्रियाएं अगर आप रेगुलर स्लीपिंग टाइम पर करते हैं, यानी कि जब आप बेड पर जा रहे हैं तो उस दौरान आप जैसा कि मैंने बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप करते जाएंगे अगर सोते टाइम, तो आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम देखने को मिलेगी। प्लस आप कोशिश करें कि सीधे ना सो करके अपने साइड पे सोए, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अगर आप साइड पर सोएंगे तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो नेसल पैसेज होता है उसको आप में आवाज़ जो आ रही है वो आवाज़ नहीं आएगी। और साथ ही साथ आप हल्का सा पिलो भी लगा सकते हैं, मतलब अपनी गर्दन को एलिवेटेड रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में हाइट ज़्यादा ना हो, आप टॉवल या फिर कोई हल्का सा ज़्यादा हाइट वाला पिलो यूज़ ना करें। इसके साथ साथ ल्यूक वॉर्म पानी पिए, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज वाला जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये सारी चीज़ों का आप सेवन ना करें। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, इनका सेवन करें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया अल्कोहल और स्मोकिंग की अगर आपको हैबिट है तो उसको आप छोड़ दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप रात का जो आपका मील है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं हो, बहुत लाइट, और सोने से कम 2 घंटे पहले आप जो है डिनर करें। तो इन सभी अगर आप अभ्यासों को करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी स्नोरिंग प्रॉब्लम है आप इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलेगी। जी, तो इसी के साथ मैम हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद हमारे डेमोंस्ट्रेटर का भी, अंकुश आपका बेहद धन्यवाद इतनी खूबसूरत सी प्रस्तुति दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद हर उस दर्शक का जो हमारे साथ यहाँ जुड़े और हमसे बातचीत की। और हमें उम्मीद है कि अगर आपने आपको भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम है या आपके साथ भी कोई व्यक्ति है जिन्हें खर्राटे आते हैं तो आपको ये अगर प्रोग्राम देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ हम भी आपके पूरे दिन की अच्छे होने की कामना करते हैं, और आने वाले पूरे दिन में हमारे पास आप सभी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उन्हें देखना ई विद्या चैनल्स पर बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भी कारणवश अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा है तो इसका पुनः प्रसारण भी आप देख सकते हैं आज शाम 8 से 8:45 तक ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक।
और साथ ही साथ आपको एक जानकारी भी देना चाहेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे एक अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता 2023-2024 के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रतियोगिता CIET NCERT इस वर्ष के लिए घोषणा कर चुका है। इस प्रतियोगिता के लिए यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र हैं या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया CIET की वेबसाइट देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2024। तो 20 जनवरी बहुत दूर नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द प्रवेश फॉर्म भरेंगे और अपनी एंट्रीज हम तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी जानकारी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कल फिर से लेकर आएंगे यही कार्यक्रम योग शक्ति सुबह ठीक 8 बजे और एक नया विषय भी लेकर आएंगे, उससे जुड़ी योग की क्रियाएं भी लेकर आएंगे। तो आप योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, हमारी यही कामना है। धन्यवाद एक बार फिर से। मैं हूं तन्वी खुराना, आपसे चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।